सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं बात करते हैं पहले कल के पोल की, जहाँ उनसे पूछा था भैया क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, तो आप में से 99% बोलते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में आज का सवाल बड़ा ही कमाल है आप सभी के लिए कि यहाँ पर दोस्तों मेरे सामने रखे हैं तीन बॉक्सेस, जहाँ पे है ओप्पो F9 Pro, Realme 2 और Xiaomi का पोको F1। और ऐसे में मैं करने वाला हूँ प्लानिंग किसी गिव अवे की, तो आप दोस्तों बताइए कि आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किसके गिव अवे में रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा आगे भैया ब्रांड से और दोस्तों काम कर पाएंगे साथ कुछ मिलके। तो ऐसे में आपका जवाब क्या है मुझे बताइएगा जरूर ऊपर दिए गए पोल में, और इसी बात पे सभी बातों पे एक लाइक तो बनता है। तो सर पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो है यहां पे नोकिया की तरफ से, और नोकिया को यार चाइना से कुछ ज्यादा ही शायद प्यार है, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि नोकिया चाइना में अपना एक स्मार्ट स्पीकर लॉन्च करने वाला है। इंडिया में नोकिया कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कहां, कैसे, किस प्राइस पे आएगा, किसी को कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये चीनी लोग जो है ये नोकिया का स्मार्ट स्पीकर शायद बहुत जल्दी यूज कर पाएंगे। गलत बात है यार, हमारे पास दे दो भाई कुछ मतलब यहाँ पे। अभी दूसरा अगला अपडेट निकल जाता है वो है लिनोवो की तरफ से, यहाँ भैया लिनोवो का एक डिवाइस लीक हुआ है गीक बेंच पे, जो कि काम करता पाया गया स्नैपड्रैगन 850 प्रोसेसर के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे हालांकि ये एक विंडोज़ बेस्ड डिवाइस है, ये कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, लेकिन दोस्तों आप बात जानते हैं लिनोवो ने मतलब पीछे कितना हो हल्ला किया था लिनोवो Z5 को लेकर, 4 GB की स्टोरेज, बेजललेस डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या, बाद में वो तो खैर कुछ भी नहीं निकला। तो क्या आपको यकीन है लिनोवो पे, मुझे बताना ज़रूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे इसरो के चीफ की तरफ से, जो ये दोस्तों बोलते हैं कि जो इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन होगा वहाँ पर दोस्तों अभी 15,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस एक मैंड स्पेस मिशन की वजह से 15,000 नए लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है। और यहाँ पर दोस्तों अभी काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह होने बाकी हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी बाकी है कि ये जो गगनयान होगा इसका टेस्ट कब किया जाएगा पहले, और बाद में एक्चुअल फ्लाइट कब होगी, कौन सा रॉकेट काम लिया जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्टेटमेंट है कि 15,000 लोगों को नौकरियाँ मिलने वाली है इसी की वजह से। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे Xiaomi के पोको फोन पोको F1 को लेके, जहां पे एक बंदा भैया पैराशूट से कूद रहा है और यहाँ पे स्टेटमेंट है एज फास्ट एज यू कैन फ्लाई, और नीचे दोस्तों लिखा है कि ये होने वाला है एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के लिए। तो इसका मतलब ये पैराशूट तो भैया वो पबजी के अंदर कूदते हुए पहन के, तो देखो इस गेम के अंदर मतलब गेमिंग फोन है कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही, बाकी मेरे सामने पड़ा है अभी तक, खैर मैंने बॉक्स खोला नहीं है। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक ऐसे नए सिस्टम को लेके, जहाँ पे जो कॉमन वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनका दोस्तों अगर एक मैश तैयार किया जाए तो वो स्कैन कर सकते हैं भैया कि जो बैग वगैरह कोई कैरी कर रहा है उस बैग के अंदर क्या कॉन्टेंट्स हैं, यहाँ पे मेटल वाले चीज़ें कौन सी हैं, कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है यहाँ पे भैया, अंदर कोई वेपन वगैरह तो नहीं है। और ये दोस्तों बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने सिर्फ वाईफाई की मदद से बैग के अंदर जब दोस्तों किया रेज ने पेनिट्रेट, तो आप पता कर पाते हैं कि भैया यहां पे अंदर क्या कंटेंट्स हैं, और यहां पे ये काम होता है ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो देखते हैं कि हम ऐसी चीजों को कहां काम में ले पाते हैं आगे चल के। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहां पे स्पेस एक्स की कुछ और डिटेल्स को लेके, जहां पे दोस्तों बात हो रही है क्रूड मिशन के बारे में, और यहां पे कुछ और दोस्तों डिटेल्स शेयर की गई हैं, जहां पे ये जो पॉड है इसके अंदर क्रू की सिटिंग वगैरह कैसे होने वाली है, उसकी कुछ और फोटो सामने निकल के आई हैं। तो स्पेस एक्स भी प्लान कर रहा है भैया मार्स तक जाने का, तो देखते हैं कैसे कैसे हम आगे चल के अंतरिक्ष में आगे आगे और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे UPI वर्जन 2.0 को लेके, यहाँ पे दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया है, और यहाँ पे आते हैं कुछ और नए अपडेट्स, जहाँ पे बात हो रही है ओवरड्राफ्ट सपोर्ट की, UPI मैंडेट की, और इनबॉक्स में इनवॉइस को पाने की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मर्चेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा QR कोड के जरिए। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों
जल्दी से लेके आ गया है यूपीआई वर्जन 2.0 और काफी सारे बैंक्स ऑलरेडी नाम यहाँ पे आ चुके हैं जो कि सपोर्ट करने वाले हैं इसी यूपीआई 2.0 को। ये बात मुझे लगती है दोस्तों आज की डेट में कि इंडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के मामले में काफी ज्यादा एडवांस्ड हो गया है। मतलब यहाँ पे भैया मोबाइल फोन से पता नहीं 50 तरह के काम कर सकते हैं और यूपीआई का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे सैमसंग के एंड्रॉइड गो फोन को लेके और ये दोस्तों हो गया थोड़ा सा एक बार वापस से लीक जहां पे इसकी एक जो यूजर मैनुअल है वो लीक हुई है और मान लेते हैं कि ये होगा एक बिल्कुल बजट फोन लेकिन ये आएगा एंड्रॉइड गो के साथ में और यहां पे होंगे एंड्रॉइड गो वाली एप्स प्रीलोडेड। तो देखते हैं कि ये फोन कब आता है, कहां आता है, किस प्राइस पे आता है और एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन होता है, एंड्रॉइड ओरियो या फिर एंड्रॉइड 9 पाए। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहां पे गूगल की तरफ से और गूगल दोस्तों जो है वो अपना जो बग बाउंटी प्रोग्राम है उसको एक्सपैंड कर चुका है कि ओवरऑल दोस्तों प्लेटफॉर्म पे लोग जो अब्यूज करते हैं कैसे रोका जाए, फिर चाहे दोस्तों गूगल प्लस पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो जीमेल हो या ब्लॉगर हो। इनफैक्ट दोस्तों 2010 में जब गूगल ये प्रोग्राम लेके आया था उसके बाद से अभी तक ऑलमोस्ट यहां पे दोस्तों $12 मिलियन मतलब करीब करीब 84-85 करोड़ रुपए के आसपास गूगल दे चुका है रिसर्चर्स को जो तरह तरह के इश्यूज जो है वो किए थे क्लियर गूगल के सामने। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ लूपोल्स होते रहते हैं तो ऐसे में गूगल चाहता है कि उनका प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन साफ सुथरा रहे। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है अभी Vivo X23 को लेके, इसकी एक फोटोज तो हो गई है लीक यहाँ पे जिसमें आपको मिलती है वो एक ट्रायंगुलर सी नॉच जो देखी थी ओप्पो के अभी F9 जो लीक दोस्तों फोन हुआ था उसमें। इसके अलावा यहाँ पे 3D फेस स्कैनिंग होने वाली ऐसी बोलती है रिपोर्ट्स और ये हालांकि एक लीक हुआ है फिलहाल तो मालूम नहीं भैया कब लॉन्च होगा लेकिन देखते हैं क्या होता है वीवो के इस नए फोन में जब ये आ रहा है मार्केट में। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल की कार और एप्पल के AR को लेके। तो स्टडी दोस्तों कहती है यहाँ पे एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि एप्पल लेके आएगा पहले AR 2020 में, उसके बाद में 3 साल बाद लेके आएगा एप्पल CAR बोले तो कार 2023 में। तो मतलब एप्पल कार समझ लो कि डेफिनेटली रियलिटी बनने वाली है और एप्पल का जो AR ग्लासेस वाला सिस्टम है वो भी आएगा 2020 में। फिलहाल के लिए 2018-19 के अंदर हमको नए आईफोन से ही गुजारा चलाना पड़ेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे एक ऐसी रिसर्च को जिसके बाद दोस्तों ऐप को डेवलप किया गया है और यहाँ पे दोस्तों एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये आपके फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकता है रोजाना करीब 1 घंटे तक। और यहाँ पे दोस्तों जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि वो ऐप्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एकदम ऐसे क्रिटिकल नहीं है, यहाँ पे दोस्तों ब्राइटनेस स्क्रीन को थोड़ा सा कम किया जाए और ऐसी ऐप्स जो कि जरूरी है उसमें आपको देखने को मिले नॉर्मल ब्राइटनेस। तो ये जो दोस्तों ब्राइटनेस का चेंज है ऑटोमेटिक तरीके से होने वाला, इसके चलते आप जो है वो एंजॉय कर पाएंगे बेहतर बैटरी लाइफ। तो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं और हमारे फोन में बस एक ही कमी रह जाती है बैटरी की। अगर लगा देना 10-15-20 हज़ार mAh की बैटरी फोन में बना दो यार इतना मोटा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देखो खैर वो दिन कब आता है। दोस्तों हम लोग अपडेट है वो निकल गया था भैया जियोफोन 2 की अगली फ्लैश सेल को, जहां पे भैया जो पहली सेल थी वो तो हो गई खत्म बस कुछ ही मिनटों में और यहां पे दोस्तों होने वाली अगली सेल 30 अगस्त को वही दिन में 12 बजे। तो मतलब हर 15 दिन में आएगी शायद एक नई सेल। क्या आपने जियोफोन 2 को बुक किया, बुक कर पाए दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी मुझे बताइएगा जरूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे शाओमी के Mi A2 को लेके और इसमें आ गया भैया अगस्त के महीने का सिक्योरिटी पैच जहां पे साथ में आ गया सपोर्ट फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने का 60 FPS में। देखते हैं कि इस बार ये फोन कैसा परफॉर्म करता है इंडियन मार्केट्स में और यहाँ पे जो अपडेट्स का सिस्टम है वो Xiaomi कितने अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाता है, बिकॉज Mi A1 में अपडेट्स काफी स्लो से ही थे। इस बार देखते हैं कि आपको कैसे कितना इंपॉर्टेंट और कितना अर्जेंट बेसिस मिलते हैं अपडेट्स डायरेक्टली गूगल की तरफ से और एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट आपको कब तक देखने को मिल जाता है इसी नए Mi A2 में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, भैया व्हाट्सएप अगर दोस्तों आप करते हैं बैकअप अपने कंटेंट का गूगल ड्राइव में तो जो आपका एक्चुअल कोटा है वो दोस्तों कंज्यूम नहीं होगा। यहां पे कर ली है पार्टनरशिप गूगल के साथ में व्हाट्सएप ने, जहां पे जो भी व्हाट्सएप का बैकअप है वो अलग दोस्तों अपनी स्टोरेज रखेगा जो होगी आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल फ्री। तो ये एक काफी अच्छी बात है, वरना कई बार गूगल ड्राइव में जगह नहीं है बैकअप करने तो भैया बैकअप कहां करें, तो व्हाट्सएप ने थोड़ा सा आसान बना दिया है हमारे लिए जिंदगी को। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है लास्ट वो है यहां पे Realme 2 को लेके, ये नॉच वाला फोन होने वाला है ड्यूअल रियर कैमरास के साथ और दोस्तों आएगा इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि Realme 1 में थोड़ा सा मिसिंग था और ये बस बहुत जल्दी दोस्तों आप मान लो ये लॉन्च होने वाला है। मतलब कितना, 2 हफ्ता 2.5 हफ्ता 1.5 हफ्ता दोस्तों मैं एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता लेकिन ये फोन बहुत जल्दी आने वाला है और ऐसे में मेरे सामने रखा है अलग इसका बॉक्स जो कि है रेड एंड व्हाइट कलर का। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं कि Realme 2 क्या लेके आता है और क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस ब्लॉग लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से नाइस वीडियोस लेकर आता हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।